एवरीवन, वेलकम टू मेजर मैक्रेमे। आज का ट्यूटोरियल है मैक्रेमे कोरल रीफ, जो कि समुद्र के अंदर नीचे घास पाई जाती है। वो मैं आज आपको मैक्रेम से बनाना दिखाऊंगी। तो इस फर्स्ट वाले इस टाइप की घास के लिए मैंने एक वायर, फ्लेक्सिबल वायर ले लिया है, और ये 4 mm 3-ply ट्विस्टेड मैक्रेमे है, जिसको मैं इसमें प्लायर की हेल्प से बांध रही हूँ। और अब इसको सिंपली इस पे ऐसे रैप करना है। अब आप देख रहे हैं, जैसे मैं रैप कर रही हूँ, ऐसे इसको रैप करते जाएंगे। जितना लंबा आपको बनाना है उसके हिसाब से आप मैक्रम ले लीजिए। मैंने इस पे 25 सेंटीमीटर वायर के लिए 1 मीटर मैक्रम लिया है, और एंड में जाके कम ज़्यादा होता है तो आप उसे काट भी सकते हैं। ऐसे मैंने ऐसे सिक्योर कर लेती हूँ दोनों तार के बीच में। आप सिंगल वायर में भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उसको फैब्रिक ग्लू के हेल्प से इसको मोड़ के सिक्योर कर सकते हैं। और मैं यूजुअली नीचे थोड़ा वायर छोड़ देती हूँ, जिससे मैं जब अपना इसको प्रोजेक्ट में लगाऊंगी तो मैं वायर के हेल्प से उसको लगा सकूं। और अब मैं ये पेंसिल की सहायता से इसमें मोड़ रही हूँ, और ये देखना कितना ब्यूटीफुल सी ग्रास रेडी होगी। जैसे ये पूरा रैप हो जाता है, आप पेंसिल स्लिप निकाल लीजिए स्लिप करके, और इसको धीरे धीरे थोड़ा सा स्ट्रेच कर दीजिए, जिससे ये एकदम कर्ली ग्रास तैयार हो जाएगी। देख रहे हैं आप कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। डिफरेंट टाइप की ग्रास देखो मैं बनाने वाली हूँ, जिसमें मैंने सिंपली कुछ भी नहीं किया है। आधे एक मीटर की मैक्रम से थोड़ा सा ऐसे फोल्ड कर लेना है, और उसमें एक नॉट लगा देनी है। उसके बाद में बस उसको सिंपली ऐसे ही रैप करते जाना, जैसे मैंने पहले वाले ग्रास के लिए रैप किया था। और ये बहुत ही, जब ये प्रोजेक्ट में लगता है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। अगर आप एंड तक वीडियो देखते हैं तो उसमें मैंने आप प्रोजेक्ट भी दिखाया हुआ है, आप देखेंगे कितना ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट लग रहा है। अब आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर एक छोटी सी बेसिक नॉट लगा दी है, और अब इसको मैं बस इस लाइन में ऐसे रैप करती जाऊंगी। आप लाइन छोटी बड़ी कर सकते हैं, जितनी लंबा आपको ये ग्रास बनानी हो। और रैपिंग का भी कोई एक तरीका नहीं है, क्योंकि ये सिंपल रैपिंग है, तो आप किसी भी साइड को रैप कर सकते हैं। जैसे रैपिंग ख़त्म हो गई है, और मैं उस पर थोड़ा सा फैब्रिक ग्लू लगाऊंगी और केयर कर दूंगी। आप इसको थोड़ी देर के लिए क्लिप करके रख सकते हैं, या ऐसे ही रख सकते हैं, जिससे ये ग्लू सूख जाए और ये सिक्योर हो जाए। अब मैं पर्पल वाला कोरल बनाने के लिए, या सी ग्रास बनाने के लिए, मैंने 35-40 सेंटीमीटर के मैक्रम काटा है, जो कि 3 mm का है, पर्पल कलर का कॉटन मैक्रम है। और इसमें मैं बस बाकी के 5 पीस, जो क्योंकि मैंने 6 पीस में काटा हुआ, 6 पीसेस काटे हुए थे 40 cm के, और मैंने बाकी के 5 इसमें ऐसे ऐड कर देने हैं बाकी के। और फिर स्क्वायर नॉट्स बनानी है, जो कि आप देखेंगे मैं आगे बनाऊँगी।
हमें इसको सर्कल की तरह रखना है, तो इन दोनों को आपस में एक दूसरे के ऊपर ऐसे नॉट लगा देंगे, जिससे ये पूरा सर्कल की तरह दिखने लगेगा, और फिर स्क्वायर नट्स बनाएंगे। ऐसे नोट्स बनाते चले जाएंगे, तो आप जितना लंबा आप अपना कोरल बनाना चाहते हैं उतना लंबा बना सकते हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें पांच लाइन, पहले वाले में पांच लाइन या सात लाइन शायद बनाई हैं, तो आप जितना लंबा चाहें उतना आप बना सकते हैं। ये मेरा ब्यूटीफुल कोरल रेडी हो गया है। मैंने अपने एक प्रोजेक्ट में चार कोरल लगाए हैं। इस ब्लू वाले कोरल के लिए मैंने 1 मीटर सिंगल स्ट्रैंड 3 mm कॉटन मैक्रेमे लिया है। इसको बस मैं एक ऐसे लूप की तरह फोल्ड करूँगी एक एंड से, और फिर दूसरे एंड से मैं इस पर नॉट्स बनाना शुरू करूँगी। इस नॉट्स में नॉट में कुछ भी नहीं है, बस आपको एंड सिक्योर करके रखना है। बस एक तरफ से थ्रेड डालना है और बीच से निकालना है, फिर दूसरी तरफ से थ्रेड डालना है, बीच से निकालना है, फिर दूसरी तरफ से थ्रेड डालना है और बीच से निकालना है।
ये करते करते आप एंड तक पहुंच जाएंगे। हाँ, इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि पहली बात तो ये थ्रेड थोड़ा पतला है। अगर आप मोटे थ्रेड से बनाएंगे तो ये इस वाले कोरल में इजी होता है या इस टाइप की ग्रास में इजी होता है। अगर आप थोड़ा पतले थ्रेड से बना रहे हैं तो इसमें डेफिनेटली टाइम लगता है। जैसे ये थ्रेड ख़त्म हो जाए तो आप एक तरफ से इसको पकड़ के जो मेन स्ट्रिंग थी, जो एंड आपको दिख रहा है अदर साइड, वहाँ उसको पुल कर लीजिए और ये टाइटन हो जाएगा नीचे से। देखना, अभी मैं यहाँ पे दिखाने जा रही हूँ आपको ये कैसे करना है। तो आपको दूसरा एंड नीचे वाला सिक्योर करके रखना है और पहला एंड आपको पुल करना है, जिससे ये साथ में सिक्योर हो जाए। आप देख रहे हैं कैसे टाइटन अप हो गया है और ये आपका ग्रास रेडी हो गया। नेक्स्ट थ्री ग्रास के लिए मैंने रेड मैक्रम लिया है, वो भी 3 mm का है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा एंड छोड़ा हुआ है पहले की तरह और इस पे मैं ऐसे नो नॉट्स बना रही हूँ। अब ये वाली नॉट्स में आपको ध्यान रखना है कि पहले ऊपर से ये थ्रेड निकालना है और जैसे ये हो जाए अब नीचे से ले जाके थ्रेड ऊपर को निकालना है और यही प्रोसेस है आप करते जाएंगे तो ये तैयार हो जाएगा। और आपको सारे जगह में इस वाले ग्रास में मैं सेम ही प्रोसेस करते हुए दिखाई दूंगी, कहीं पे भी डिफरेंट नहीं है। पहले ऊपर से ले जाएं फिर नीचे से ले जाएं थ्रेड। और ये मेरा मेन वाला बनाया था मैंने, जो जिसको मैं जिस यूज़ करके मैं सारी जगह टाइटन अप करूँगी, तो इसलिए इसमें मैंने थ्रेड थोड़ा लंबा रखा है। बाकी में आप थ्रेड थोड़ा छोटा रख सकते हैं। और इसके लिए मैंने 6 pieces यूज़ किए हैं सेम टाइप के। आप देखेंगे कि मैं इसको सेम ही वायर यूज़ करके पूरा एक ग्रास की तरह ही टाइटन अप कर करके बना दूँगी नॉट लगा लगा के। आप देख रहे हैं कि सेम ही टाइप की नॉट है जो मैं इस पर लगाने जा रही हूँ। पहले एक लूप बनाना है ऊपर की तरफ से डाल के और फिर अंदर से इसको निकाल लेना है। फिर इस थ्रेड को मोड़ के नीचे से ले जाके एक लूप बना के ऊपर ऊपर से निकालना है और
ये रही आपको एक दफ़े डॉट नॉट लग गई, इसी तरह से आप पूरा लगाते जाएंगे। ये ऑलरेडी एक ग्रास की तरह रेडी हो गया है। आप चाहें तो इसको इतना ही रख सकते हैं, आप चाहें तो इसमें और पीसेज ऐड कर सकते हैं, आप इसको बड़ा भी बना सकते हैं। मैंने इस पर थोड़ा सा और ऐड किया है। ये ऑलरेडी ग्रास वाला लुक दे रहा है, जो सी ग्रास होती है, बट आप चाहें तो बड़ा छोटा कर सकते हैं अपने हिसाब से। और आज के लिए, आज की वीडियो में इस ये तीन चार टाइप के ग्रास जो मैंने आपको सिखाए हैं, ये मैंने आप आगे के प्रोजेक्ट में यूज़ किए हैं, आप आगे वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेजर मैक्रेमे में आप नेक्स्ट टाइम कोई और ट्यूटोरियल देखेंगे। इस सीरीज़ में मैं आपको फिस का भी ट्यूटोरियल दिखाने वाली हूँ, जो कि मैंने इस प्रोजेक्ट में यूज़ किया, और कुछ और टाइप के कोरल जो मैंने इस पे लगाए हैं। अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है जो आप सीखना चाहते हैं मैक्रम से, सो प्लीज़ कमेंट बिलो। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं वो ट्यूटोरियल आपके लिए लेके आऊँ। थैंक यू सो मच। And please like, share and subscribe.